हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं एयरटेल सिम का वीआईपी नंबर कैसे मिलता है या फिर एयरटेल का वीआईपी नंबर कैसे लिया जा सकता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब यहाँ पे ज़रूर कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई सा भी अपना एक ब्राउज़र खोल लेना है। तो यहाँ पर हम क्रोम ब्राउज़र को खोलेंगे। आप यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र अपना ओपन कर लीजिएगा। क्रोम ब्राउज़र खुलने के बाद यहाँ पे क्रोम में आपको सर्च करना है एयरटेल वीआईपी नंबर। इस तरीके से जैसे आप सर्च करोगे तो एक नंबर पर ही आपको जो है इस तरीके की वेबसाइट आ जाएगी। उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज आपको खुल जाएगा। तो सबसे पहले आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ से आप जो है इस पेज से या फिर ऑनलाइन तरीके से जो है अगर आप वीआईपी नंबर लेना चाहते हैं तो अभी के टाइम यहाँ पे बस पोस्ट पेड की जो है फैसिलिटी अवेलेबल, यानी कि पोस्ट पेड की ही सिम यहाँ से आप जो है वीआईपी ले सकते हैं। अगर आप प्रीपेड लेना चाहते हैं तो आपको दूसरी तरीके से लेनी होगी, जो कि आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर स्टोर वगैरह से लेनी होगी। यहाँ से आप बस पोस्ट पेड ही ले सकते हैं। तो पोस्ट पेड अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चूज़ करना है आप अपना सिम पोर्ट कराना चाहते हैं या फिर डायरेक्टली आप जो है नया कनेक्शन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे पोर्ट न्यू कनेक्शन लिखा है और यहाँ पे प्रीपेड टू पोस्ट पेड है, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी प्रीपेड है तो उसको पोस्ट पेड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली पोस्ट पेड की नई सिम लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी मोबाइल नंबर एक अपना पूरा नाम डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी का पता यहाँ पे आपको डालना होता है और अपनी सिम कार्ड बुक करनी होती है। अब यहाँ पे जैसे आप इसको बुक करेंगे उसके बाद आपको जो भी कस्टमर एजेंट आपके पास आएगा तो उसके थ्रू आप जो है अपना नंबर चूज़ कर सकते हैं। चॉइस नंबर आपको मिल जाएगा, उसमें लगभग 7 से 8 या फिर 10 नंबर होंगे। उसके अंदर आपको जो नंबर चाहिए वो मिलेगी। यहाँ से आप ऑनलाइन तरीके से नहीं कर सकते, माई जो ऐप के अंदर ऑप्शन मिल जाएगी आपको, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।